हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कोरिलेशन इन टाइम सीरीज काल श्रेणी में सहसंबंध। व्हेन वी ऑब्जर्व न्यूमेरिकल डेटा इन रिलेशन टू टाइम द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज टाइम सीरीज। जब आप किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को टाइम से रिलेट करके उसके ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं तो वो आपकी क्या होती है, काल श्रेणी होती है, टाइम सीरीज होती है। टाइम सीरीज में हमारे टू टाइप्स के फ्लक्चुएशंस होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म चेंजेस और ऑसिलेशन, सेकेंड इज लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन और चेंजेस। हम टाइम सीरीज में किसी दो वेरिएबल के कोरिलेशन की स्टडी करेंगे तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की भी स्टडी करें, तभी आप राइट रिसर्च वर्क कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है जो चीज नेगेटिव कोरिलेशन बता रही है वो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो, तो इस टाइप से आपके रिसर्च वर्क के रिजल्ट मिसलीडिंग ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस और लॉन्ग टर्म चेंजेस की स्टडी करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में निकालना है। ईयर्स आर गिवन 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। इंडेक्स ऑफ सप्लाई इज 80, 82, 86, 91, 83, 85, 89, 96, 93. इंडेक्स ऑफ प्राइस इज 147, 140, 130, 117, 133, 127, 115, 95 एंड 100. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीन कॉलम गिवन थे क्वेश्चन में, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। ये तीनों कॉलम आपने कॉपी किए हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट अब आपको क्या करना होता है, टाइम सीरीज में मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करने होते हैं। मूविंग एवरेजेस या तो थ्री इयर्स के कर सकते हैं या फिर फाइव इयर्स के। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई है तो आप उसी अकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज आप अपना एक्सप्लेनेशन वर्किंग नोट में देकर कि ये हमने थ्री ईयर मूविंग एवरेज से निकाला है या फाइव ईयर मूविंग एवरेज से निकाला है आप कैलकुलेट करेंगे। थ्री ईयर मूविंग एवरेज में आपको क्या करना है, थ्री थ्री ईयर्स का लेके डिवाइडेड बाय थ्री करना है। तो फर्स्ट के जो थ्री ईयर्स है वो है 80, 82 और 86। तो इनको किया 80 प्लस 82 प्लस 86 इक्वल्स टू आ गया आपका 246 डिवाइडेड बाय 3 किया तो आपका आया आंसर 82.66, जिसको राउंड ऑफ करके आपने क्या कर दिया 83। नेक्स्ट अब 80 को छोड़ देना है, अब नेक्स्ट हम इसके लिए क्या लेंगे, 82, 86 और 91। 82 प्लस 86 प्लस 91 तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 925 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो राउंड ऑफ करके आंसर आ गया आपका 86। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 2009 के लिए, 86 प्लस 91 प्लस 83 ये आ गया इसका टोटल, डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर आ गया आपका 80। अब हमें कैलकुलेट करना है इस 86 का, इसके लिए हम क्या लेंगे, 91 प्लस 83 प्लस 85 ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका, ये आपका टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर आ गया आपका 86। 0.5 से ऊपर वाली डिजिट को आप राउंड ऑफ कर देंगे और पूरी लिख देंगे। नेक्स्ट अब 90 का कैलकुलेशन करना है, 90 के लिए हमें क्या लेना है, पहले 85 लेना है, फिर 89 लेना है, फिर 96 लेना है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 270 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आ गया हमारा 90। 89 प्लस 96 प्लस 93 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 93। इसके आगे आपके पास वैल्यू नहीं है क्योंकि आप 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 2013 तक। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का क्या मतलब है, इंडेक्स माइनस ए, ए इज योर एवरेज।
इधर तो कोई एवरेज है ही नहीं, इसलिए यहाँ आ गया डैश। यहाँ पे 82 माइनस 83 इक्वल्स टू माइनस 1, 86 माइनस 86 इक्वल्स टू 0, 91 माइनस 87 इक्वल्स टू प्लस 4, 83 माइनस 86 इक्वल्स टू माइनस 3, 85 माइनस 86 इक्वल्स टू माइनस 1, 89 माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस 1, 96 माइनस 93 इक्वल्स टू प्लस 3। नाउ वी विल स्क्वायर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ नहीं है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। नाउ ये हमने निकाला था x सीरीज का, डेट इज योर सप्लाई, और अब निकालेंगे हम y सीरीज का, डेट इज योर प्राइस। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है जो कि हमने x सीरीज में की थी। इंडेक्स नंबर हमने कॉपी किए थे क्वेश्चन से। नाउ 3 ईयर मूविंग एवरेज, जिसमें भी 3 ईयर्स का एड करके डिवाइडेड बाय 3 करना है। डिवाइडेड बाय 3 किया तो आपका आंसर आ जाएगा 139। और 129 के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली डिजिट लेंगे हम। 140 प्लस 130 प्लस 117, इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 129। नेक्स्ट करना है 127 के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, 130 प्लस 117 प्लस 133, इन तीनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 करना है तो आंसर आ जाएगा आपका 127। अब 126 के लिए क्या करना है, ये लेंगे 117 प्लस 133 प्लस 127, इन तीनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 करना है, आंसर आ जाएगा 126। जो भी पॉइंट्स में आपके आंसर आ रहे हैं उसको आपको राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट, अब इसके लिए 125 के लिए इससे पहले वाली वैल्यू क्या है, अब 133 प्लस 127 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, आंसर आ गया आपका 125। नेक्स्ट है 112 के लिए, तो इधर हो जाएगा 127 प्लस 115 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर आएगा आपका 112। नेक्स्ट है इसके लिए 115 प्लस 95 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 किया, आंसर आ गया 103। वी विल कैलकुलेट द आई माइनस ए। आई इज इंडेक्स नंबर, ए इज एवरेज। 147 माइनस कुछ नहीं है एवरेज, तो डैश आ जाएगा। 140 माइनस 139 इक्वल्स टू प्लस 1, 130 माइनस 129 इक्वल्स टू प्लस 1, 117 माइनस 127 इक्वल्स टू माइनस 10, 133 माइनस 126 इक्वल्स टू प्लस 7, 127 माइनस 125 इक्वल्स टू प्लस 2, 115 माइनस 112 इक्वल्स टू प्लस 3, 95 माइनस 103 इक्वल्स टू माइनस 8, यहाँ कुछ नहीं इसलिए नहीं। नाउ वी विल स्क्वायर ऑल द वैल्यूज ऑफ y। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64। नाउ वी विल कैलकुलेट द एक्स वाई। एक्स तो है हमारा ये और वाई है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू माइनस 21,
माइनस वन मल्टीप्लाई बाय प्लस टू इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री, प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस एट इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर. नाउ वी विल सम ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई. एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज नाइन. सिग्मा एक्स इक्वल्स टू वन, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थर्टी सेवन, सिग्मा वाई इक्वल्स टू माइनस फोर, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 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 एट, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू नाइनटी वन. हियर वी आर यूजिंग कॉल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला. कॉल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमारा स्मॉल एक्स क्या था, एक्स माइनस एक्स बार था, और स्मॉल वाई था हमारा वाई माइनस वाई बार. ये नॉर्मल सिचुएशन में था, लेकिन जब हम टाइम सीरीज में एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे x का क्या मीनिंग हो जाएगा, x इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर माइनस एवरेज, जो आपने एवरेज निकाला है वो. नेक्स्ट y भी क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर माइनस एवरेज. और जब भी आप टाइम सीरीज में कैलकुलेशन करेंगे तो आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपने x का क्या मीनिंग अज्यूम किया है और y का क्या मीनिंग अज्यूम किया है. सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आई थी आपकी माइनस नाइन्टी वन, सब्सटीट्यूट कर दिए यहाँ पे आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर. सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपकी थर्टी सेवन और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है टू टू एट. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, देयर आफ्टर माइनस नाइन्टी वन डिवाइडेड बाय वो वैल्यू की, तो आपका आंसर आ गया माइनस पॉइंट नाइन नाइन. दैट मीन्स हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है. इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन, अब बात आ रही है लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन की. अगर आपको टाइम सीरीज में लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन कैलकुलेट करने हैं तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपने आई माइनस ए कैलकुलेट किया है वो नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट मूविंग एवरेज से निकालेंगे. ये जो हमने आई माइनस ए और आई माइनस ए किया है ये क्या है, हमारे शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं, जो कि हमें शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन में ही यूज करना है. लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन में सिर्फ आपको एक ही स्टेप लेनी है, वो है कि आपको थ्री ईयर या फाइव ईयर मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करने हैं, देयर आफ्टर आप कॉल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज करेंगे और उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है और आप उसको सिमिलरली कैलकुलेट कर लेंगे. सो आज की वीडियो में आपका कोरिलेशन इन टाइम सीरीज टॉपिक क्लियर हो गया है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट मी.